ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट? सो हाउ डू इट्स फॉर्म? व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट CCl4? कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट। कैसे हमें पता चला कोवेलेंट बॉन्ड है? बिकॉज कार्बन इज नॉन मेटल, क्लोरीन इज ऑल्सो नॉन मेटल, तो नॉन मेटल दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड एंड मेटल एंड नॉन मेटल फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ओके, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 6, राइट? द व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 and 4 एंड क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। So what is the electronic configuration? 2, 8 and 7. Only shows the outer shell electron. हमें से outer shell के electron show करने हैं, ठीक है? अब देखो carbon को जो stable होने के लिए हम कितने electrons required है? 4. और chlorine को stable होने के लिए कितने electrons required है? 1. तो carbon क्या करेगा? अपने 4 electrons 4Cl के साथ share कर लेगा, क्योंकि हमारे पास जो carbon tetrachloride है क्लोरीन के टोटल एटम कितने? 4 है, तो क्लोरीन को एक एक रिक्वायर्ड है, तो क्लोरीन एक एक शेयर करेगा और कार्बन कितने शेयर कर लेगा? 4 शेयर कर लेगा। तो सेंटर में क्या बना रहे हैं आप? कार्बन लाइक दैट, ये कार्बन हो गया और इसके साथ कितने क्लोरीन अटैच कर दें? 4 क्लोरीन सी है, क्योंकि 4 है हमारे पास, 1, 2, 3 एंड 4, चार क्लोरीन एटम हो गए हमारे, राइट? अब इसके इलेक्ट्रॉन हम पता है इलेक्ट्रॉन कैसे डॉट एंड क्रॉस। सबसे पहले Cl के इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए, क्लोरीन है हमारे पास Cl, 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 राइट? क्लोरीन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 7, और शेयर कितने करे? 1, तो 1 अब शेयरिंग में शो कर दो क्रॉस है, बाकी जो रिमेनिंग रहेगा 6 अब शेल में लिख दो और साइन, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, देखो क्लोरीन की 7 हो गए, एक मैंने शेयरिंग में डाल दिया। इसी तरीके सेकंड वाला क्लोरीन है, ये भी कितने शेयर करेगा? ओनली 1, 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाकी रिमेनिंग कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिमिलर ये 1 शेयरिंग में, बाकी रिमेनिंग 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एज इट इज लास्ट वन एक शेयर करेगा, एक हमें डाले बाकी रिमेनिंग 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये तो क्लोरीन के हो गए कंप्लीट। कार्बन कितने शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स? 1, 1 शेयर करेगा, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को किससे शो करोगे आप? डॉट से शो कर दो, राइट? तो ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, थर्ड वन एंड लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन। देखो कार्बन के भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और क्लोरीन की भी 8 हो गए, तो दिस कॉल्ड CCl4। क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। इसे कॉपी करें, डन सर। डन ऑल ऑफ यू? जहीर यस सर। यस सर। मैसेज किया ना यहाँ पे, कहाँ रह गए? सर
याफे मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ स्वेप है। मैं अजान को कहता हूँ, वो मैसेज कर देगा। अजान ओके वी टेक द अदर वन एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ SiO2 ठीक है फॉर्मेशन ऑफ SiO2 फॉर द एटॉमिक सिलिकॉन इट्स 40 2 8 6 एंड अदर वन एटम इज ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 व्हाट इज इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2 एंड 6 सॉरी 2 8 4 14 है ना सो 2 8 4 सो सिलिकॉन रिक्वायर्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन को कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है ठीक है और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है 2 तो देखो सिलिकॉन एक है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो सिलिकॉन क्या करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन से शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन एक और ऑक्सीजन से शेयर करेगा तो इस तरह सिलिकॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और ऑक्सीजन अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ठीक है तो ये बनेगा कैसे और सेंटर में क्या करें सिलिकॉन और उसके साथ 2 ऑक्सीजन पुट करते हैं 1 ऑक्सीजन एंड अदर वन ऑफ सेकेंड क्लियर सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन अब देखो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 2 इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को आप शोगर क्रॉस ये 2 मैंने शेयरिंग में डाल दिया बाकी टोटल 6 है 6 में से रिमेनिंग कितने रह गए हमारा 4 रह गए तो 1 2 3 एंड 4 ये 4 मैंने आउटसाइड ली फिर शो कर दिया इस तरह से ये ऑल ऑक्सीजन जो है ये भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग आपने 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए रिमेनिंग कितने रह गए 4 तो 4 आपने आउटसाइड 1 2 3 एंड 4 क्लियर अब देखो सिलिकॉन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यस अजान रिवर शशफाक सर 2 एक ऑक्सीजन के साथ और दूसरे टोटल 4 शेयर करेगा वेरी गुड एक ऑक्सीजन के साथ 2 क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दे इसलिए दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा देन इट फॉर्म्स SiO2 यस एनी प्रॉब्लम नहीं समझ में आए तो पूछ ले नो सर कॉपी करें देन सर You're done, all of you? Yes. Sir.
formation of N2, N plus N, then it forms N2, right? So nitrogen cover. Nitrogen atomic number kya hota hai? 7. So what is the electronic constant? 2 and 5. Okay. इसी तरह से दूसरा नाइट्रोजन भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे 2 एंड 5. तो ये मुझे बताएं नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा समीन, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? यस अरीबा, थ्री. वेरी गुड, थ्री शेयर करें तो तीन क्रॉस वाले एक नाइट्रोजन के लिए आप थ्री क्रॉस शेयरिंग में शो कर दो, बाकी रिमेनिंग कितने रह गए? दो, दो हमने बाहर शो कर दिया. टोटल आउटर शेल फाइव इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास. सेकंड वाले दूसरा नाइट्रोजन कितने शेयर करेगा? थ्री, तो थ्री को डॉट से शो कर दो, वन टू थ्री, और रिमेनिंग कितने रह गए? दो, दो को आपने बाहर शो कर दिया. Yes, done all of you. Yes sir. Yes sir. शाबाश. और मैंने होमवर्क और क्या दिया था आप लोगों को? किसकी फॉर्मेशन थी और सर एक मिनट देखता हूँ. सर LiCl तो आयनिक कंपाउंड है ना, कोलेंट में, कोलेंट में हमने क्या क्या कर लिया? सर CaCl4. सर CF4. CF4 सिमिलर जो है हमारा CCl4 की तरह बनेगा, राइट? क्योंकि हम आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं लाइक दिस. कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2 एंड 4, एंड फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9. तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? 2 एंड 7. देखो हमारे फ्लोरीन कितने हैं? टोटल फ्लोरीन हमारा 4 है, ठीक है? टोटल फ्लोरीन कितने हैं? 4 है. तो कार्बन क्या करेगा? अपना 4 इलेक्ट्रॉन्स 1-1 करके 4 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा. और फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? ओनली 1, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है? तो आपने क्या किया, ये बनाया कार्बन और इसके साथ कितने फ्लोरीन अटैच कर दें? 4 फ्लोरीन एटम, 1, 2, 3 and here is the 4, ठीक है? अब सबसे पहले फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने शेयर करा? 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो कर दे रहे, मैंने ही रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑर्डर से बना.
इसी तरह से ये और फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, और वन वन के हमने क्या के शेयरिंग में डाल दिया, बाकी रिमेनिंग सिक्स हमने बाहर लिख दिया लाइक दिस, ठीक है। एफ सी फ्लोरीन फ्लोरीन, ओके। कार्बन कितने शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कार्बन अपने फोर इलेक्ट्रॉन शेयर चारों के साथ एक करेगा, वन वन सबके साथ कर देगा, वेरी गुड शाबाश, लाइक दिस। दिस कॉल्ड सी एफ, क्या हमने बनाया सी एफ फोर, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ सी एफ फोर। कॉपी करें या फिर आपने होमवर्क सबमिट क्यों नहीं करवाया बेटा अब तक, सॉरी आज करवा दूंगा। और बेटा आपने जो आयनिक कंपाउंड करवाया ना अजहान या एक और किसने रीबन करवाया किसने, आप देखिए बेटा आयनिक कंपाउंड के ऊपर आपने चार्जेस नहीं लिखे, अगर चार्ज नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो अपना होमवर्क जरा अगेन चेक, नहीं सर लिखे मैंने, ठीक है, जिसने नहीं लिखा वो अगेन चेक करना, मैं नाम भूल गया, तो इसके ऊपर चार्जेस नहीं थे ना ब्रैकेट के ऊपर, मैंने ये खास तौर पर बताया था, सब कुछ आप सही करोगे चार्ज में लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, डन ऑल ऑफ यू, यस सर। ये सियाफ है, यस सर, कॉपी कर लिया आपने, कर लिया। सेम एलिमेंट बट दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड एलोटॉप्स, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एलोटॉप्स। Same element, I repeat again, same element, but they exist in different form, it's called allotrope. Done? एक बार फिर रिपीट कर देंगे, सेम एलिमेंट बट दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप। ठीक है, यानी कि यस एलेक्ट्रॉन्स एरेंज टू सेम है बट इट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बड़े कौन से, डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, वन कार्बन डाइऑक्साइड फोर कार्बन एटम, तो हम लिखते हैं सी फोर, और डायमंड में क्या होता है, वन कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर थ्री कार्बन एटम। तो दोनों किससे बने हुए होते हैं, कार्बन से बने हुए होते हैं, यानी कि एलिमेंट क्या है सेम है बट ये किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डायमंड आपको पता है एक्सपेंसिव होता है, शाइनी होता है, क्रिस्टल होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है आपकी पेंसिल के लेड में, ग्रेफाइट, ठीक है। हाँ ठीक है,
तो एलिमेंट हमारे पास क्या हो, सेम हो बट ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एग्जांपल क्या, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। दोनों बने हुए किससे होते हैं, दोनों बने हुए किससे होते हैं, कार्बन से, लेकिन दोनों एग्जिस्ट किस में कर रहे होते हैं, डिफरेंट फॉर्म में। डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, जो आपकी पेंसिल की लेड होती है, आप उसको इजीली ब्रेक कर सकते हो, बट आप डायमंड को ब्रेक नहीं कर सकते। फिर इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा सा डिफरेंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है इनका। क्लियर, बस सब तो एनी प्रॉब्लम, नो सर। ओके, फॉर एग्जांपल अब आप लोग मुझे बताएंगे, मैं लिखा CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ये CO2, ये पेयर है वन एंड पेयर टू C2H6 एंड C3H8, विच इज द एलोट्रॉप। वन बाय वन बताएं, इनमें से कौन सा पेयर है जो एलोट्रॉप है, पेयर नंबर वन या पेयर नंबर टू। पेयर नंबर वन। किसने बोला ये, अमीन ने? किरत नो पेयर नंबर टू। किसने कहा ये, आयशा, ठीक है। और बताएं, अरीबा खान, पेयर नंबर टू। अरीबा ने भी एक पेयर नंबर टू, ठीक है। और जल्दी जल्दी बताओ, सब आंसर सबको देना है। अजान, सर पेयर नंबर टू। पेयर नंबर टू, ये अजान के वक्त का नाम सो रहा है। किरत ने समीन, समीन आपको भी टू है सर, पेयर नंबर टू ही होगा। एंड जहीर, सेकंड पे है। अच्छा सेकंड, जहीर ने भी सेकंड का बोल दिया, शाबाश। अब मुझे ये बताओ, मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है आपको, व्हाट इज एलोट्रॉप, क्या होता है एलोट्रॉप, डेफिनेशन क्या है। सेम एलिमेंट बट दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। वेरी गुड, सेम एलिमेंट बट दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्या ये दोनों एलिमेंट हैं, एलिमेंट क्या होता है, कोई बताए मुझे एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द एलिमेंट। ये जहीर, मैंने पहले क्लास में आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था एलिमेंट मॉलिक्यूल्स और ये। What is the element? Element क्या होता है? Element का बताओ मुझे। Down into simpler systems. Again? Sir, it cannot be broken by simpler in some simpler substances. और इससे भी simple मैंने definition आपको बताई थी। आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको simple definition बताया था। Pure substance called element. जो चीज pure होगी सब element बोल सकते हो। ठीक है, लाइक मैंने लिखा Cl2, दो क्लोरीन है, इसमें कोई और चीज नहीं है, ये क्या है, एलिमेंट है। मैंने लिखा F2, ये क्या एलिमेंट है। मैंने पीस ऑफ आयरन लिया, यानी कि आयरन की मैंने रॉड ली, इसमें सारे एटम किसके हैं, आयरन के हैं, ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। अगर कोई और चीज शामिल हो जाए, ये आयरन की रॉड है लेकिन
ये एटम सारे किसके आयरन के हैं इसमें, लेकिन मैं इसमें एक कॉपर लगा दूं तो अब ये एलिमेंट नहीं है, ये इम्प्योर हो गया, क्योंकि आयरन के साथ क्या आ गया, कॉपर आ गया, तो ये इम्प्योर हो गया, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट नहीं होगा। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो मुझे ये बताएं क्या CO और CO2 क्या प्योर है, नहीं है, क्योंकि कार्बन के साथ यहाँ क्या चीज आ गया, ऑक्सीजन है, तो ये एलिमेंट ही नहीं है, आपको डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये एलोट्रॉफ तो हो ही नहीं सकता है, तो ये एलोट्रॉफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, कार्बन के साथ क्या ऑक्सीजन है, इम्प्योर है, इट मीन्स क्या हो रहा है, हमारे पास प्योर नहीं है, एलिमेंट नहीं है, जब डेफिनेशन को ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत दूर की बात हो गई। क्लियर? और सबसे ज्यादा जो आप लोगों ने जो आंसर दिया, ज्यादा स्टूडेंट्स ने क्या किया, C2H6 एंड C3H8 को कहा, इसको भी देख लेते हैं क्या ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है या नहीं हो सकता, अभी चेक कर लेते हैं। तो देखो, कार्बन अलग चीज है, हाइड्रोजन अलग चीज है, क्या ये प्योर है? यस, जवाब दे भाई जल्दी। ये शरीफ खान, आयशा अशफाक, जहीर, बताओ क्या ये प्योर है या नहीं है? C2H6 नहीं है, कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, दो अलग अलग एटम्स हैं, तो ये प्योर नहीं है। ठीक है, तो ये एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, ये भी, यहाँ भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, दोनों डिफरेंट है, ये भी एलिमेंट नहीं है, तो इनमें से कोई से भी पेयर एलोट्रॉफ नहीं है। एलोट्रॉफ के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सेम एलिमेंट बट दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉफ, यानी कि एलिमेंट सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई आप लोगों के? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं, आप फॉरन कार्बन कार्बन देख के एलेक्ट्रॉफ बना दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एलेक्ट्रॉफ या जो भी आपको डेफिनेशन लिखवाते हैं, पहले उसको देखा करो, उसको वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ज्यादा स्टूडेंट यही हरकत कर रहे होते हैं एग्जाम में। ओके, अब मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, C20 एंड अदर वन C200, वन पेयर C400 and C500, which pair is the allotrope? इनमें से कौन से पेयर allotrope है? जल्दी बताएं। ये दोनों एलेक्ट्रॉफ है, क्योंकि यहाँ देखो कार्बन प्योर है, यहाँ पे भी कार्बन प्योर है, इसलिए कुछ और नहीं है, इट मीन्स एलेक्ट्रॉफ। ठीक है, एलेक्ट्रॉफ हो सकता है, यहाँ भी कार्बन प्योर है, यहाँ भी कार्बन प्योर, तो ये क्या हो सकते हैं हमारे पास, एलेक्ट्रॉफ